नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद हापुड़ के धोलाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए चरसी गैंग को 1 किलो 300 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत बाजार में 1 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 किलो 300 ग्राम चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग दूसरे राज्यों से चरस तस्करी कर आसपास के जनपदों में चरस सप्लाई करते हैं, जिन पर विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पकड़ने गए आरोपी को लोगों ने छुड़वा लिया था और पुलिस के साथ अभद्रता भी की थी, गाड़ी तोड़ दी थी, तो इसमें क्या सफलता मिली पुलिस को? कुछ दिनों पहले थाना शाह क्षेत्र में पुलिस तबिश पे गई थी। सद्दाम नाम का एक व्यक्ति था जो कि डॉक्टर का अपराधी, इसको पकड़ने के लिए गई थी। उस वक्त महिलाओं ने पुलिस के साथ थोड़ी सी खिंचतानी की थी और उसे को छुड़ा ले गए थे वो लोग। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था उनके खिलाफ पुलिस मुलामत का और भी कई सारी धाराएं थी। इसमें पुलिस को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। कल जो मुख्य अभियुक्त सद्दाम, जिसके लिए ये पूरा मामला लिखा गया था, उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर की टीम ने गिरफ्तार किया है उन्हें। उनके पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस भी बरामद की हुई है। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।